तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं फिर से एक लेखक को लेके। असल में जो नेट का एग्जाम है उसमें लेखकों से लेकर कभी ना कभी क्वेश्चन बन ही जाते हैं, जैसे पिछली बार अलबरूनी को लेकर एक क्वेश्चन बना था। तो हम आप लोगों के सामने प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक तक जो भी विदेशी यात्री आए या लेखक हैं उनका वर्णन आपके सामने लेकर आए हैं। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हसन निजामी। ठीक है, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीजें या लेखक जो है काफी डेप्थ यानी डीप से पढ़नी पड़ेगी। बात वही कि अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो सूर्य की तरह जलना भी सीखें। तो आइए आज बात करते हैं हसन निजामी की। इनका जो पूरा नाम था सदरुद्दीन हसन निजामी था। इनकी पुस्तक आप सभी को पता ही है ताज उल मासिर है, जिसे कारनामों का इतिहास भी कहा जाता है। इसका अंग्रेजी अनुवाद इलियट और डाउन्स ने किया था। इनका जो जन्म हुआ था वो निशापुर फारस में हुआ था। ठीक, ये जो थे खुरासान के अप्रवासी थे, जो मंगोलों के उत्पात के कारण इन्होंने भारत आने का जो है निर्णय किया या भारत की ओर बढ़े। जब रास्ते में आ रहे थे तो डाकुओं ने इनकी संपत्ति वगैरह भी लूट ली थी। दिल्ली जब ये पहुंचे तो इन्होंने सबसे पहले काजी सरफुल मुल्क, काजी जब ये दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने सर्वप्रथम काजी सरफुल मुल्क की सेवा में ये उपस्थित हुए। बाद में ऐबक ने इनको अपने संरक्षण में ले लिया और 1205 में ऐबक के कहने पर ही इन्होंने अपनी रचनाएं वगैरह प्रारंभ की। ऐसा भी कहा जाता है कि इनकी जो इनको इतिहास लेखन के लिए इनके मित्रों ने भी इनसे प्रार्थना वगैरह की थी। ठीक है, इनकी जो रचना है ताजुल मासिर वो दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय व आधिकारिक इतिहास है। इसमें 1192 से लेकर 1228 तक की प्रमुख सैनिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसमें 1192 से लेकर 1228 तक की प्रमुख सैनिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। ये जो है इनकी पुस्तक, ये प्रथम पुस्तक है जो भारत में मुस्लिम शासन का वर्णन करती है। इस पुस्तक में दिल्ली सल्तनत को गजनी, मध्य एशिया और इस्लाम के इतिहास से अलग किया गया है। ठीक, हसन निजामी ही 1209 में कहीं कहीं पे आपको आठ डेट में मिल जाती है ऐबक का दास मुक्ति पत्र लेकर आए थे, जो गैसुद्दीन मोहम्मद शाम के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, हसन निजामी ही है जो बताते हैं कि ऐबक ने दिरहम व दिनार नामक सिक्कों का प्रचलन किया था। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा वो लेखक है जो बताता है कि ऐबक ने दिरहम व दिनार नामक सिक्कों का प्रचलन किया था, वह है हसन निजामी। ठीक है, इनकी जो पुस्तक है उसमें गद्य पद्य अरबी फारसी का जो है अद्भुत मिश्रण है, इसीलिए इनकी पुस्तक को अंशतः उपन्यास व अंशतः इतिहास का दर्जा प्राप्त है। ध्यान से सुनना, इनकी जो पुस्तक है ताजुल मासिक को अंशतः इतिहास व अंशतः उपन्यास का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, इनकी जो पुस्तक है ताजुल मासिक वो सामाजिक विषय वस्तु पर आधारित है। इसमें रीति रिवाज, त्योहार, उत्सव आदि की जो जानकारी दी गई है। ठीक है, हसन निजामी जो है वो नक्षत्र, ग्रहों, राशियों आदि का अपनी पुस्तक में उल्लेख करते हैं और मनुष्य के भाग्य पर ग्रहों का जो है प्रभाव का उल्लेख अपने किताबों में वो करते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक में इल्तुतमिश के जालौर अभियान का भी वर्णन किया है कि वो वहां जब इल्तुतमिश गया तो मंदिर जो है झुक गए और उनका नामो निशान तक मिट गया और कुफ्र के अंधेरे में इस्लाम का प्रकाश चमक उठा, इस तरीके का स्टेटमेंट वगैरह देते हैं। ठीक है, हसन निजामी अपनी पुस्तक में जब दिल्ली सुल्तानों का वर्णन करते हैं तो साथ साथ में उनकी तुलना फारस के शासकों से भी वो करते हैं। ज्योतिषी प्रभाव के कारण ही वो इल्तुतमिश को शम्स-उद-दीन यानी विश्वास का सूर्य भी कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। ठीक, अगले
किसी न किसी लेखक को लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इतना कहूँगा अधिक से अधिक मेहनत करें। नेट का एग्ज़ाम इतना आसान नहीं आता, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हमसे हो सकता है आप लोगों का सहयोग करें। बाकी आपने भी जमकर मेहनत करनी है, ठीक, और सूर्य की तरह चमकना है। धन्यवाद।